और साथियों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी यूपी टीजीटी पीजीटी साथ ही साथ 51,112 शिक्षक भर्ती उसके साथ ही साथ नई टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों का वेट कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की कुछ प्रमुख एवं खास खबरें आपके मध्य में साझा करेंगे। देखिए सबसे पहला मुद्दा ये है, कब तक होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। इसको लेकर आयोग का प्रतिदिन कुछ ना कुछ बयान आ रहा है, जिसको लेकर कल भी कुछ बयान आए थे, उन बयानों पर चर्चा करेंगे। क्या ये परीक्षाएं अब दिसंबर में ही होंगी, कैसे संभावित होंगी, दिसंबर में ही इतना जल्दी परीक्षा कराना कैसे संभव है, इसके ऊपर क्या नई शिक्षक भर्ती का अधियाचन मिल चुका है, कब कितना मिला है, कितने पदों पर आ सकती है नई भर्ती, सारी बातों के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साथियों अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें अगर आप मेन लाइंस अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा कराने की योजना। दूसरा आप देखें दिसंबर में पीसीएस प्री, जनवरी में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा से भर्ती पर होगा संकट, यानी टीजीटी पीजीटी पर यहाँ पे संकट होगा। पहला पहलू तो आप ये देख लें और दूसरा पहलू यहाँ पर ये देख लें, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जनवरी में यूपी बोर्ड की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं यानी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उसे लेकर के भी समस्याएं होंगी, क्योंकि वो परीक्षाएं गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में भी होंगी। फिर वहाँ पे सरकार जो बोल रही है, आयोग का कहना है हम केवल गवर्नमेंट कॉलेजों को ही अपना सेंटर बनाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेजों में इंटर कॉलेजेस भी आएंगे और भी कॉलेजेस आएंगे, और पीसीएस वाली अगर ये परीक्षा होगी तो पीसीएस वाली परीक्षा होगी तो उसके लिए भी कॉलेजेस को सेंटर बनाया जाएगा, तो सेंटर मिलने में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आने वाली है। लेकिन आयोग का बयान अभी तक नहीं बदला है, अभी हालिया जो बयान हम देखें आयोग का वो यही बोल रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच हर हाल में हम इस परीक्षा को कंडक्ट कराएंगे। देखिए दो तरीके से, दोनों तरफ ही संकट है, देखने वाली स्थिति ये होगी कि क्या परीक्षा कंडक्ट हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कुछ और परीक्षाओं को लेकर विवाद जुड़े हैं, जैसे कि 2011 वाली टीजीटी पीजीटी उसका साक्षात्कार कराना। उसमें अभी हाल ही में साक्षात्कार में काफ़ी छात्र उपस्थित ही नहीं हो पाए, जानकारी का अभाव भी रहा, तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर सामने आईं। साथ ही साथ 2016 वाली भर्ती, 2013 वाली, ये सारी भर्तियाँ भी लंबित पड़ी हैं और इन भर्तियों को भी कंडक्ट कराना काफ़ी आवश्यक है। देखिए यूपी में काफी बुरी स्थितियां अब चल रही हैं शिक्षक भर्ती की, क्योंकि सारी भर्तियां एक साथ इकट्ठे आ गई हैं और कोई भी भर्ती इस वजह से कंडक्ट नहीं हो पा रही है। अब हम बात करें यूपी में 51,112 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या वर्तमान में रुख है, तो जब आयोग से अभी रिसेंट में पूछा गया कि आप ये भर्तियां कब तक आएंगी, एक तरह से कहा जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, आयोग का एक ही सीधा और सिंपल बयान था, भर्ती आएगी लेकिन तब आएगी जब हमें अधियाचन मिल जाएगा, और अधियाचन मिलने के लिए इसमें पूर्णतया सरकार जिम्मेदार होती है। तो फिर सरकार का भी कहना है कि हमारे पास पदों की रिक्त संख्या यानी रिक्त पदों की संख्या हमारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं, तो वो है छात्र जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है, टेट सीटेट पास कर रखा है, वही छात्र इसमें कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। फिलहाल के लिए वर्तमान की सूचनाओं की हम बात करें, आप मानकर चलें टीजीटी पीजीटी परीक्षा जनवरी में ही मानकर चलें, क्योंकि अभी तक देखिए दिसंबर लगभग आप स्टार्ट ही माने और आयोग का अभी तक कोई बयान नहीं है कि परीक्षा हम स्थगित करेंगे या आगे टालेंगे, तो हो सकता है इंटरनल रूप में आयोग तैयारी कर चुका हो, तो आप भी अपनी तैयारी को धार दें, ऐसा ना हो ये सोचकर बैठे रहें कि मार्च अप्रैल में परीक्षा होगी और फिर डेट अचानक से आ जाए, 10-15 दिन आपके पास बचें, तो फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थितियाँ देखने को मिलेंगे। फिलहाल कोई डाउट हो कमेंट में लिखकर